back. And there can be none other. That's right, the Viper, Randy Orton, is home. Ladies and gentlemen, please welcome the Apex Predator, Randy Orton! दोस्तों क्या होगा अगर रैंडी ऑर्टन इस तरह वापसी करे और रोमन रेंस को चुनौती दे। रैंडी ऑर्टन को आखिरी बार टीवी पर पिछले साल 20th मई को स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा गया था। उसोस के खिलाफ मैच के दौरान उन्हें इंजरी लग गई थी। ऑर्टन और रिडिल मैच हार गए और उसोस ने टैग टीम चैंपियनशिप को यूनिफाई किया। अब 8 महीने हो गए हैं और वह कब लौटेंगे इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऐसे भी रूमर्स थी कि रैंडी ऑर्टन WWE में कभी वापसी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इंजरी बहुत सीरियस है। हालांकि रैंडी ऑर्टन के साथी और 2-time हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर ने हाल ही में कहा कि ऑर्टन रसमीनिया 39 में एक मैच के लिए वापसी करेंगे। रिक फ्लेयर ने यह भी कहा कि ऑर्टन अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को चुनौती दे सकते हैं। रैंडी ऑर्टन 14-time वर्ल्ड चैंपियन भी है। वह रिक फ्लेयर और जॉन सीना से पीछे है जिन्होंने 16-time वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। ऐसे में अगर ऑर्टन रोमन रेंस से चैंपियनशिप जीत लेते हैं तो वो रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आप इस मैच के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस के खिलाफ मैच जीतेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।